एंड आई डोंट थिंक इसको करने के बाद आपको किसी भी दूसरे नोट्स या किसी वीडियो को रेफर करना होगा तो आइए स्टार्ट करते हैं नॉर फर्स्ट एम सी क्यू दिस इज द न्यूज इन दीक्यू फॉर्मैट वॉट इज द नेम ऑफ दू वेयर द विरासत एग्जीबिशन इज बीन हेल्ड विरासत एग्जिबिशन इज बीन हेल्ड नाउ देयर इज दिस एग्जीबिशन इन न्यू दिल्ली जिसका नाम है विरासत इसके बारे में एमसीक्यू है तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं वैसे तो थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन है बट फिर भी अह नाउ ये जो विरासत एग्जीबिशन है ये इस बार नई दिल्ली में हो रहा है एंड नई दिल्ली हैंडलूम हार्ट में ये आपका हो रहा है नाउ थोड़ा सा इसके बारे में इंटरेस्टिंग एक थोड़ा देखते हैं हमारे देश में वी सेलिब्रेट नेशनल हैंडलूम डे हम सेलिब्रेट करते हैं ऑन सेवेंथ ऑगस्ट पहली बार जो नेशनल हैंडलूम डे हमने सेलिब्रेट किया था दैट वॉज सेलिब्रेटेड इन 2015 2015 में पहला था उसी हिसाब से इस साल 2024 में हम जो नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट कर रहे हैं दिस इज देंथ नेशनल हैंडलूम डे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस बार जो टेंथ नेशनल हैंडलूम डे है वॉट इज द ऑफ दैट कॉन्सेप्ट इस विरासत कहां पे होने जा रहा है हार्ट न्यू दिल्ली नाउ कम टू पॉइंट अगस्त मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी स्वदेशी मूवमेंट के बारे में आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा थोड़ा सा मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ में बता देता हूं वन नाइन जीरो फाइव ब्रिटिशर्स है बंगाल का विभाजन उन्होंने डिसाइड किया कि बंगाल का विभाजन करना है इसको लेके हमारी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी और जो नेशनलिस्ट लीडर थे उनका डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्स था वन ऑफ द रिस्पॉन्स वॉज दैट दे हैव लॉन्च ऑन सेवंथ ऑगस्ट वन नाइन जीरो फाइव फ्रॉम कलकत्ता दे हैव लॉन्च अ एंड बॉयकॉट मूवमेंट बॉयक मूवमेंट स्वदेशी तो यहां पे लोगों से अपील की गई कि हमें स्वदेशी क्लोथ्स यूज करने हैं स्वदेशी प्रोडक्ट यूज करने हैं और विदेशी प्रोडक्ट का हमें बहिष्कार करना है तो इसी से इंस्पिरेशन लेते हुए we have, in 2015 we have decided कि हमारा जो नेशनल हैंडलूम डे है उसको हम सेलिब्रेट करेंगे ऑन 7th अगस्त। सो दैट हमारे देश में भी लोग जो हमारा ट्रेडिशनल कपड़े हैं हाथों से बने हुए कपड़े हैं उनको हम थोड़ा सा पहने तो नेशनल हैंडलूम डे आगे आप देखते हैं अगेन दिस इज दी वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग फॉर इंडिया सो वेयर द फिफ्थ मीटिंग ऑफ इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट तो यहां पे पूछा गया है कि फिफ्थ मीटिंग इंडिया की वॉज थीम ऑफ दैट मीटिंग ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट उसकी एक ज्वाइंट मीटिंग हुई थी ये मीटिंग कहां पे हुई है इसको थोड़ा सा हम देखते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नाउ uh, सबसे पहले एक बच्चे को जिसने भी नई तैयारी शुरू की है डेफिनेटली उसको ये आशियान थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ये आशियान क्या है इंडिया के साथ इसका क्या कनेक्शन है एंड हाउ कि हमारे लिए क्या सिग्निफिकेंस है तो एक बार इसको देखते हैं नाउ आई होप ये थोड़ा छोटा है बट आपको ये दिख रहा होगा आशियान इज अ ग्रुपिंग ऑफ टेन कंट्रीज दस देशों का ये ग्रुप है चलो थोड़ा बड़ा ही मैं इसको कर देता हूं so this is इज so सो is a अशियान is a group of टेन countries और अगर आप देखेंगे आप सभी लोगों ने यूरोपियन यूनियन के बारे में सुना होगा यूरोपियन यूनियन यूरोपियन यूनियन के बाद अगर कहीं पे दुनिया के देश सबसे अच्छी तरीके से इंटीग्रेटेड है तो वो आपके आसियान में मिलेंगे आसियान के जो दस देश हैं यूरोप के बाद शायद दुनिया में कोई आपको ऐसी ना मिले जहां पे देश इतने अच्छी तरीके से इकोनॉमिकली इंटीग्रेटेड है एक देश से दूसरे देश में बॉर्डर क्रॉस करना बहुत आसान है एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका भारत भी मेंबर है पाकिस्तान भी मेंबर है शार्क साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन और सार्क अगर आप इस ऑर्गेनाइजेशन uh, को देखेंगे तो इट्स अ फिल्ड ऑर्गेनाइजेशन ये कुछ अचीव नहीं कर पाई आप देखिएगा ना एक देश से दूसरे देश में बॉर्डर क्रॉस करना कितना डिफिकल्ट है ट्रेड करना कितना डिफिकल्ट है थैंक्स टू टेररिज्म ऑफ पाकिस्तान बट अगर आप यूरोपियन यूनियन के बाद किसी ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे जो बहुत सक्सेसफुल है तो दैट इज दशिया दस इसमें देश है तो अगर आप देखेंगे दिस इज लाइक नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया बांग्लादेश देन हमारा नॉर्थ ईस्ट तो पहला इसमें देश आएगा आपका म्यांमार देन लेस थाईलैंड कैम्बोडिया, वियतनाम पांच देश तो ये है इनको एक पैकेज में याद कीजिएगा इसके बाद दिस इज फिलीपींस, मलेशिया सिंगापुर ब्रूने एंड इंडोनेशिया तो दिस इज ग्रुपिंग ऑफ टेन कंट्रीज दस देशों का ये एक ग्रुप है ओके सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको याद रखना है लास्ट ईयर ट्वेंटी इंडिया आशियान समिट हुई थी और इस समिट में हमारे देश के प्रधानमंत्री पार्टिसिपेट किया था प्रधानमंत्री ने और यह आपकी समिट हुई थी जकार्टा जकार्टा में इंडोनेशिया तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना आपको पता होना चाहिए नाउ इस बार ये जो मीटिंग है दिस इज दी व्हाट आई से

और इंडिया और आशियान की फुल फ्लेज पॉलिटिकल मीटिंग जहां पे हमारे प्रधानमंत्री गए थे वो ट्वेंटी मीटिंग आपकी लास्ट ईयर हुई थी जकार्टा में ये भी आपको पता होना चाहिए नाउ दीज आर सर्टेन पॉइंटर्स इंडिया नेवी सबमरीन आई एन एस शाल्की इज इन कोलंबो श्रीलंका ऑन अ डे विजिट तो जैसा कि आप यहां पे एक फोटो देख पा रहे हैं दिस इज आर सबमरीन और रिसेंटली ये सबमरीन आपकी विजिट पे गई है श्रीलंका नाउ वट इज दिग्निफिकेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर शिप सो दिस इज दिस इज दर्स्ट दिस इज दर्स्ट सबमरीन विच वॉज बिल्ट इन इंडिया तो जितनी भी सबमरीन हमारे देश में जब बनना स्टार्ट हुआ था दिस इज द फर्स्ट सबमरीन जो इंडिया में बनी थी और रिसेंटली अभी यह कहां पर गई है कोलंबो गई है एक विजिट के लिए इस तरीके की विजिट के कई सारे पर्पज होते हैं वन ऑफ दर्पज इज टू हैव अ म्यूचुअल गुड रिलेशन नेवल एक दूसरे की नेवी एक दूसरे को जान पाए जॉइंट एक्सरसाइजेस होती हैं सिम्बॉलिक भी मतलब होता है कि श्रीलंका इज ऑल्सो हैविंग अ डिफेंस रिलेशन विद इंडिया नाउ दिस सबमरीन वॉज कमीशन इन 1972 आप देखिए कितनी लगभग बावन सालों की अपनी सर्विसेज दे चुकी है तो इट्स अ वेरी स्ट्रेटेजिक थिंग फॉर इंडिया नेक्स्ट टाटा ने एक अपना एक सेमीकंडक्टर का यूनिट है उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया है इन असम सो दैट्स अ वेरी दरी बिग न्यूज फॉर असम सबसे पहले यहां पे दो मेन चीज है असम में टाटा जो फैक्ट्री लगाने जा रहा है लगभग इसकी इन्वेस्टमेंट सत्ताइस हजार करोड़ की है सत्ताईस हजार करोड़ टाटा इन्वेस्ट कर रहा है तो इट्स अ वेरी बिग प्रोजेक्ट फॉर आसाम और लगभग यहां पे पंद्रह हजार लोगों को डायरेक्ट और बहुत सारे लोगों को इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए आसाम के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज है दूसरा सेमी आप देखिएगा अगर इंडिया वर्ल्ड की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहता है तो सेमी कंडक्टर मैन्युफेक्चरिंग पहले होनी चाहिए आज अगर आप देखेंगे पूरी दुनिया में सेमी कंड़, सेमी कंडक्टर मैन्युफेक्चरिंग पे चाइना कोरिया ताइवान इन देशों की मेनो मोनोपोली है तो यहाँ पे इंडिया कोशिश कर रहा है कि इंडिया भी इस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को थोड़ा सा कैप्चर कर पाए तो यहाँ पे टाटा ने अपना एक प्लांट लगाया है कहाँ पे प्लांट लगाया है में एक प्लांट लगाया है विद इन्वेस्टमेंट ऑफ ट्वेंटी करोड़ सो सत्ताईस करोड़ की इन्वेस्टमेंट से पूरा प्लांट है नाउ आगे देखेंगे अगेन दिस इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट बाय आर वन ऑफ द मिनिस्टर श्री गजेंद्र सिंह शेखावत तो इन्होंने बोला है कि टूरिज्म हैज पोटेंशियल टू कंट्रीब्यूट टू इंडियाज अचीवमेंट ऑफ दी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी सो इंडिया वांट्स टू बी दर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी और इस थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी को अचीव करने के लिए हमारी हेल्प कौन कर सकता है ट्यूरिज्म हेल्प कर सकता है सो देयर इज दिस स्टेटमेंट अब यहां पे दो तीन की वर्ड है आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी का क्या मतलब है और इसमें टूरिज्म कैसे हेल्प करेगा अभी अगर आप देखते हैं दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है आपका अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये जो भी सारा डेटा है सोर्स अगर आप देखेंगे आईएमएफ का है और 2024 का ही लेटेस्ट डेटा है हालांकि अगर आपसे कोई पूछे कि सर इंडिया की जीडीपी यहां पे कुछ दिखा रहा है वर्ल्ड बैंक के डेटा में थोड़ी सी कमियां ज्यादा दिखा रहा है इंडिया के डेटा में थोड़ी सी कमियां ज्यादा दिखा रहा है तो पे दो चार परसेंट का एरर रहता है सबसे बड़ी इकोनॉमी अभी यूएस है ट्वेंटी सेवन ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है या सत्ताइस हजार बिलियन की इसके बाद चाइना है एटीन पॉइंट फाइव ट्रिलियन अच्छा जिन बच्चों को ट्रिलियन समझ में ना आए एक ट्रिलियन में एक हजार बिलियन होते हैं एक हजार बिलियन होते हैं तो वर्ल्ड में हम सभी जीडीपी को बिलियन और ट्रिलियन में नापते हैं तीसरा अगर आप देखें 4.7 ट्रिलियन की जीडीपी है आपकी जर्मनी की फोर्थ पे अगर हम देखते हैं तो 4.2 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है आपकी जापान और यहां पे 4.1 ट्रिलियन के साथ इंडिया है वर्ल्ड की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी अब यहां पे एक बात कुछ बच्चों को समझ में आ रही होगी कि सर इंडिया जापान और जर्मनी के बहुत ज्यादा पास है आप देखिए ना हम 4.1 पे हैं, ट्रिलियन पे या इकतालीस बिलियन पे जापान कितने पे है? बयालीस पे और यहां पे जर्मनी कितने पे है 4700 बिलियन पे या 4.7 ट्रिलियन पे तो हमारा इमीडिएट जो टारगेट है वो इनको क्रॉस करना है और अगर आप देखेंगे जर्मनी और जापान का ग्रोथ रेट ऑलमोस्ट स्टेगनेंट रुके हुए हैं ये बहुत तेजी से ग्रो नहीं कर रहे हैं जापान तो ऑलमोस्ट कम हो रहा है और अगर आप जर्मनी का भी ग्रोथ रेट देखें एक डेढ़ से ग्रो कर रहा है बस और भारत का ग्रोथ रेट तो साथ साथ परसेंट है यानी कि अगले दो -तीन साल में इंडिया पास कर देगा जापान को को और जर्मनी को और जर्मनी इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा अब देखिएगा मोदी जी ने भी एक स्टेटमेंट बोला था कि दो तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर रहेगा डेफिनेटली बन के रहेगा अब यहां पे स्टेटमेंट में ये था कि भैया टूरिज्म हेल्प करेगा डेफिनेटली देखिए आप जितना टूरिज्म आउटपुट मिलता है हमारे प्राइम मिनिस्टर यूएस में गए हुए थे और उन्होंने बोला कि कई बार मुझसे बहुत सारे लोग जो यूएस में रहते हैं वो ये बोलते हैं कि सर हम यूएस में रहते हुए कैसे अपने देश की सेवा कर सकते हैं तो उन्होंने बोला मैं आप सभी लोगों को एक सजेशन देना चाहता हूं आप अमेरिका में रहके बस एक फैमिली को हर साल इंडिया घूमने जाने के लिए आप कन्वेंस कीजिएगा तो अगर हमारे लाखों लोग लाखों अमेरिकन फैमिलीज को इंडिया आने के लिए कन्वेंस करते हैं तो इमेजिन कीजिएगा कितने बिलियन डॉलर का इंडिया में पैसा आएगा वो आएंगे ताजमहल विजिट करेंगे होटल में रुकेंगे खाना खाएंगे ऑटो से ट्रेवल करेंगे हमारे देश की कल्चर को समझेंगे तो सभी लोगों को उसका फायदा मिलेगा सो दिस इज द पॉइंट तो so नाउ आप सभी लोगों को पता होना चाहिए राइट नाउ इंडिया इज द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बट जो थर्ड और फोर्थ पे है वो हमारे बहुत ज्यादा पास है तो आने वाले दो तीन सालों में हम दुनिया की तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं सो दिस इज द ऑन विच डे इज द इंडियाज ऑर्गन डोनेशन डे इज सेलिब्रेटेड तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इज यहां पे थर्ड अगस्त है फैक्ल इन्फॉर्मेशन है सो देर वॉज अन पी आई बी जहां पे मिनिस्टर ऑफ स्टेट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अनुप्रिया पटेल जी इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था फोर्टीन इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे और यहां पे उन्होंने एक स्पीच दिया था तो वो पी आई बी में न्यूज uh, थी मैंने सोचा इसको कवर करें तो यू शुड नो दिस फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थर्ड अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे नाउ अगेन दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग वट इज द टॉपिक ऑफ द कॉन्फ्रेंस वॉट इज द टॉपिक ऑफ द कॉन्फ्रेंस चेयर्ड बाय सी डी एस तो यहां पर एक टर्म एक पोस्ट का जिक्र है सी डी एस शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने चीफ ऑफ डिफेंस सर्विस इस पोस्ट के बारे में सुना होगा तो आइए देखते हैं यहां पर जिक्र पूछा यह गया है कि वॉट इज द टॉपिक ऑफ द कॉन्फ्रेंस एक कॉन्फ्रेंस थी विच वॉज चेयर बाय सी डी एस अब यहां पे हमें ये भी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि इंडिया के अभी करंट सीडीएस कौन है तो करंट सीडीएस जनरल अनिल चौहान जी तो इन्होंने पांच अगस्त को किस कॉन्फ्रेंस को चेयर किया है तो ये आपकी कॉन्फ्रेंस थी फाइनेंशियल सिनर्जीज एंड कर्जन आर्म फोर्सेस अभी इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूं सबसे पहले देखिएगा कारगिल वॉर हुई तो कारगिल वॉर जब भी कोई इतने बड़े स्तर की वॉर होती है उसको रिव्यू करने के लिए कमेटी होती है तो कारगिल वॉर रिव्यू कमेटी थी जिन्होंने देखा कि क्या कमियां रही क्या हम रिफॉर्म कर सकते हैं उसके बाद कई और सारी कमेटियां बनी तो उनको एक चीज़ समझ में आई और ये बात अभी तक भी सही है हमारे देश की जितनी भी फोर्सेस हैं आप मान के चलिए आर्मी नेवी एयर फोर्स तो हमारे देश की जो तीनों फोर्सेस हैं इन तीनों में अगर आप कोऑर्डिनेशन देखें तो कोऑर्डिनेशन की कमी है इस कमी को पूरा करने के लिए वन ऑफ दी रिकमेंडेशन जो निकल के आई कि हमारे देश में इन तीनों फोर्सेस के अभी अपने हेड है आर्मी के अपने हैं 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 नेवी के 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 अपने फोर्स के अपने एयर फोर्स इन तीनों हेड ऊपर कोई पोस्ट नहीं है जो इन सबको एक साथ इकट्ठा बांध के रख सके सो देर वॉज अ थिंग एक ये पिछले बीस सालों से डिस्कशन था कि हमारे देश में जितने भी फोर्सेस के हेड है उनके ऊपर एक और पोस्ट होनी चाहिए सी की तरह स सर्विसेस की तरह तो ट्वेंटी गवर्नमेंट है हमारे देश को पहले सीडीएस मिले इन दिनल विपिन रावत और उसके बाद नेक्स्ट हमारे जो सी डी एस थे वो थे आपके जनरल अनिल चौहान तो यू शुड नो फर्स्ट सीडीएस आपको पता होना चाहिए ये सीडीएस की पोस्ट का भाई आपको एक पता होना चाहिए और ये सीडीएस की पोस्ट हमारे देश के जो तीनों फोर्सेस uh, के प्रमुख है उनके ऊपर ये एक पोस्ट है आइडिया यही है कि ये व्यक्ति तीनों फोर्सेस के बारे में सुनेगा तीनों फोर्सेस के बारे में सोचेगा एंड दे विल ट्राई टू क्रिएट अ सिनर्जी दे विल ट्राई टू क्रिएट अ अटनेस इन अमंग थ्री फोर्सेस डेफिनेटली इट्स अ लॉन्ग टर्म टास्क अभी तो बहुत टाइम इसको लगेगा बट एटलीस्ट ये एक स्टार्ट है ना uh, नेक्स्ट अब ये थोड़ा सा अभी तक हम थोड़ा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ही पढ़ रहे थे बहुत सारे बच्चों की डिमांड पे लास्ट uh, क्लास में भी मेरे से बहुत सारे बच्चों ने बोला कि दे आर कन्फ्यूज बिटवीन फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड लीगल राइट्स कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर हमारे मौलिक अधिकार कौन से हैं संवैधानिक अधिकार कौन से हैं और लीगल अधिकार कौन से हैं तो यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छे खास क्वेश्चन आते हैं आइए एक बार हम इसको समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट फंडामेंटल राइट और लीगल राइट right. तो आपको यहां पे देखने को मिलेगा कि चलो देखते हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन है कॉन्स्टिट्यूशन इस कॉन्स्टिट्यूशन में देयर इज दिस चैप्टर एक चैप्टर है और उस चैप्टर कौन से पार्ट में है वो पार्ट थ्री में है बहुत सारे एग्जाम में तो ये भी क्वेश्चन आता है एसएससी में आया हुआ है पार्ट थ्री में क्या है तो पार्ट थ्री टॉक्स अबाउट फंडामेंटल राइट ये मौलिक अधिकारों के बारे में बात करता है एक पॉइंट इस पर भी क्वेश्चन में आता है कि मौलिक अधिकार का कॉन्सेप्ट हमने कहां से ड्राइव किया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अमेरिका में इस तरीके के राइट मिलते हैं सीधा हमने अमेरिका से कॉपी किया ओके okay. किसी भी देश में इनसे महत्वपूर्ण कोई राइट नहीं है सबसे महत्वपूर्ण ये राइट होते हैं और इनको महत्वपूर्ण बनाता है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट right का वॉयलेशन होता है मतलब आपको जो मौलिक अधिकार मिले हुए होते हैं अगर वो उनका वॉयलेशन होता है तो आपको एक स्पेशल पावर मिलती है वॉयलेशन का मतलब मैं आपको समझाता हूं हमारे देश में सभी लोगों का फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन आप अपनी बात को फ्रीली ओपनली रख सकते हैं यह हम सभी लोगों का मौलिक अधिकार है यानी कि कोई एक बच्चा है वो एक ट्वीट कर देता है उसने अपनी बात रखी ये एक मौलिक अधिकार है लेकिन उसके ट्वीट के ऊपर उसके ऊपर एफ आई रजिस्टर्ड हो गई और जो परमिटेबल कैटेगरी में था वहां पर अपनी बात रखी थी लेकिन का होना उसके मौलिक अधिकार का हनन करता है इस केस में आप क्या कर सकते हो तो हमारे देश में अगर आपका कोई भी मौलिक अधिकार का वायलेशन होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो आर्टिकल 32 को यूज करके आर्टिकल 32 को यूज करके आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो देखिएगा कितनी स्पेशल पावर मिली हुई है इवन अगर आपके देश में कोई सीरियस क्राइम भी होता है लेट से कोई भी रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी का क्राइम हो गया अगेंस्ट वुमेन या कोई और सीरियस क्राइम हो गया उस केस में भी सीधा सिर्फ आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओगे अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप कहां जा सकते हो हाईकोर्ट में चलो मान के चलिए अगर आपका कोई सिविल केस है तो आप सीधा जा सकते हो हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वहां पे भी सुप्रीम कोर्ट नहीं जाओगे क्रिमिनल केस में तो डायरेक्ट तुम हाई कोर्ट में भी नहीं जा सकते सुप्रीम कोर्ट तो बहुत दूर की बात है बट अगर आपके मौलिक अधिकार का वायलेशन है तो पहली अपील ही आप डायरेक्टली कहां पे कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हो आर्टिकल 32 को यूज करके तो फंडामेंटल राइट के वायलेशन होने पे सुप्रीम कोर्ट जाना इसको बड़ा पावरफुल बनाता है ये सारे राइट कहां पे मेंशन है पार्ट थ्री में मेंशन है पार्ट थ्री किसका कॉन्स्टिट्यूशन का क्या क्या एग्जाम्पल है आप देखिए जैसे राइट टू इक्वेलिटी सामान्यता का अधिकार इसमें भी कई सारे राइट है राइट टू फ्रीडम राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी बहुत सारे राइट है कभी पढ़ेंगे इनके बारे में तो इन सभी राइट को हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट थोड़ा सा सिंपल करके बताऊं वो राइट जिनके वॉयेशन होने पे आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो उन अधिकारों को हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट ठीक है अब दूसरी कैटेगरी के, के राइट आप देखिएगा हमारा संविधान में सिर्फ फंडामेंटल राइट थोड़ी ना और भी बड़ा है अगर कोई भी अधिकार हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट right के बाहर लिखा हुआ है उदाहरण के तौर पे राइट टू वोट वोट डालने का अधिकार ये पार्ट थ्री में नहीं लिखा हुआ बाहर लिखा हुआ है तो ये कौन सा अधिकार होगा इन अधिकार को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट संवैधानिक अधिकार बट इन राइट का वायोलेशन होने पर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते तो अगर आप देखें संवैधानिक अधिकार फंडामेंटल राइट से अगर आप कंपैरिजन करें तो सबसे पावरफुल फंडामेंटल राइट है उसके बाद फिर ये आपके वो संवैधानिक अधिकार हैं जो आपके आ, फर, आ, अच्छा एक 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 यहां पे और और मैं आपको क्वेश्चन टॉपिक से इंट्रोड्यूस करा रहा हूं सारे फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है और फंडामेंटल राइट right भी हैं क्योंकि संविधान में लिखे हुए हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट right है और संविधान के एक स्पेशल चैप्टर में लिखे हुए हैं तो मौलिक अधिकार है तो पहला हो गया संवैधानिक अधिकार प्लस मौलिक अधिकार आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो उन्हीं अधिकारों के वायलेशन पे जो संवैधानिक भी है उसके ऊपर टॉप अप पे मौलिक अधिकार भी है लेकिन राइट टू वोट क्या है ये सिर्फ एक संवैधानिक अधिकार है ये मौलिक अधिकार वाले चैप्टर में नहीं है एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं चलो ये तो एक चेंज ही था हमारे देश में पहले आर्टिकल नाइनटीन वन एफ में और आर्टिकल थर्टी वन में एक राइट लोगों को मिलता था इस राइट को हम बोलते थे राइट टू प्रॉपर्टी राइट टू प्रॉपर्टी उस समय ये एक राइट फंडामेंटल राइट था उस समय ये एक मौलिक अधिकार था। लेकिन बाद में फिर हमने फोर्टी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाके, 1978 में 1978 में 44 टाइम जो हमने संविधान चेंज किया हमने इसको बदल दिया और इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया और इसको हमने डाल दिया आर्टिकल थ्री हंड्रेड ए में कॉन्स्टिट्यूशन के तो पहले तो ये फंडामेंटल राइट में था लेकिन हमने ऐड करके इसको बाहर निकाल दिया तो पहले राइट टू प्रॉपर्टी एक संवैधानिक अधिकार था प्लस फंडामेंटल राइट था लेकिन अब ये सिर्फ संवैधानिक अधिकार है यानी कि इसके वायोलेशन पे भी आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते तो मुझे लगता है बच्चों के बात समझ में आई जो मौलिक अधिकार है वो संवैधानिक अधिकार भी है और मौलिक अधिकार भी है लेकिन जो संवैधानिक अधिकार है वो सिर्फ संवैधानिक है इनके वायोलेशन पे आप सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते तो इन दोनों में अगर कोई पावरफुल ऊपर होंगे तो वो आपके फंडामेंटल राइट्स होंगे अच्छा अब तीसरा कॉन्सेप्ट आता है सर लीगल अधिकार क्या है इनके बारे में आप बताइए तो थोड़ा सा इसे मिटा के मैं इनके बारे में आपको आ, बताता हूं अब आप मान के चलिए हमारे देश में सरकारें लॉ बना सकती हैं लॉ कानून हमारे देश में लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट भी कोई कानून बना सकती है कहां कानून बनाएगी पार्लियामेंट में पार्लियामेंट में दो हाउस है लोकसभा और राज्यसभा अगर हमारे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट बाय लॉ पार्लियामेंट में कोई लॉ पास करके कोई अधिकार देती है उसे हम बोलेंगे लीगल राइट अच्छा ये सिर्फ लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं स्टेट गवर्नमेंट भी पास कर सकती है किसी लॉ को स्टेट गवर्नमेंट भी पास कर सकती है हमारे देश में अट्ठाईस कहां से लॉ पास करेगा लेजिस्लेटिव असेंबली से विधान से विधानसभा कुछ राज्यों में अगर विधान परिषद है तो वहां से तो हमारे देश में लीगल अधिकार क्या है केंद्र सरकार अगर कोई लॉ पास करे या राज्य सरकार अगर कोई लॉ पास करे लॉ पास करके अगर वो कोई अधिकार देती है तो वो होता है लीगल अधिकार उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊंगा जैसे दो आ, एक लॉ पास किया गया आर टी आई राइट टू इंफॉर्मेशन राइट टू इंफॉर्मेशन सूचना का अधिकार तो ये जो सूचना का अधिकार है क्या इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा हुआ है बिल्कुल नहीं लिखा हुआ ये जो सूचना का अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशन की लिबरल इंटरप्रिटेशन में है लेकिन एज अ सच डायरेक्टली कोई पावर नहीं मिलती है तो यहां पे सरकार ने पार्लियामेंट से एक लॉ पास किया और हमारे देश के सभी लोगों को एक अधिकार दिया जो अधिकार था राइट टू इंफॉर्मेशन सरकार जो भी करती है जो भी पैसे खर्च करती है लोग एक आर डाल सकते हैं और सरकार के हर एक डिसीजन के बारे में पूछ सकते हैं तो दिस इज कानूनी कानूनी अधिकार अधिकार एक और अधिकार है जब मनरेगा पास हुआ मनरेगा मनरेगा के बारे में अभी जिक्र है तो डिटेल में नहीं बताता हूं यहां पे लोगों को मिला राइट टू वर्क काम करने का अधिकार मिला ठीक तो है तो यह होता है अब आप बोलोगे राज्य ने भी क्या कोई लॉ पास किया हुआ बिल्कुल आज ही हम डिस्कस करेंगे देखिएगा राजस्थान सरकार ने रिसेंटली दो साल पहले ही अपने देश के लोगों को अपने राज्य के लोगों को एक राइट दिया अपनी टेरिटरी में जो राजस्थान के निवासी हैं उनको एक राइट दिया वो राइट था आपका राइट टू वर्क अभी मैं समझाऊंगा क्या होता है अभी मनरेगा का डिस्कशन है तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा सबसे पावरफुल मौलिक अधिकार उसके बाद संवैधानिक अधिकार और उससे थोड़े वीक होते हैं कानूनी अधिकार क्योंकि देखिए आप एक कानून पास करके लॉ को ला सकते हैं और आप दूसरा कानून पास करके उस लॉ को कमजोर कर सकते हैं हटा सकते हैं दूसरी बात जो राइट आपके संविधान में लिखे हुए हैं या मौलिक अधिकार हैं उनको हटाना बहुत इंपॉसिबल है उनके बारे में जो भी पावर है वो संविधान में लिखी हुई है जो हमारे देश का फंडामेंटल कानून है उसको तो बदलना ऑलमोस्ट बड़ा डिफिकल्ट है माइन्यूट चीजें बदल सकते हो फंडामेंटल चीजें नहीं लॉ है आज सरकार लेके आई है कल को हटा सकती है तो ये अधिकार थोड़े से वीक माने जाते हैं ठीक है चलते हैं आगे आई होप आपको यह समझ में आया होगा नाउ एक और है न्यूज था न्यूज ये था कि आप सभी लोगों ने आर्टिकल 370 के बारे में सुना होगा और बहुत सारे लोगों की इसको लेके अलग अलग ओपिनियन है कुछ लोग बोलते हैं सही हुआ कुछ लोग बोलते हैं बेकार हुआ अभी क्या हुआ है अगर आप आज का दाइंदू न्यूज पढ़ेंगे सो वहीं की ये पूरी की पूरी हेडलाइन है मैंने जो उठाई हुई है एक जम्मू एंड कश्मीर की ह्यूमन राइट बॉडी है उसने 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 क्या बोला है? उसने उसने बोला है 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 कुछ कमेंट पास किया अपील की है कि इमीडिएट इलेक्शन का अनाउंसमेंट होना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर के लिए अब जम्मू एंड कश्मीर इलेक्शन अनाउंसमेंट क्या ये सारा मामला है इसको एक बार देखते हैं नाउ वैसे तो जम्मू एंड कश्मीर का मुद्दा क्या था कैसे स्टार्ट हुआ ये राज्य बनना था इसको लेके फिर राजा हरी सिंह के साथ क्या विवाद हुआ कैसे पाकिस्तान ने अटैक किया कैसे एक आज भी जम्मू एंड कश्मीर का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के पास है जिसको हम पीओ के बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर इस बार तो पार्लियामेंट में इस तरी इस मान के चलिए इस तरीके तक, तक के मुद्दे उठे कि पीओके कब वापस आएगा आएगा या नहीं आएगा तो मीडिया में यह भी चर्चाएं चलेगी कि आप पीओके हम वापस लाने वाले हैं इवन एक मुख्यमंत्री ने तो इन इलेक्शन में यह भी बोला कि अगले छह महीने में हम पीओके को वापस लेके आएंगे तो बड़ा विवादित ये मुद्दा है बहुत सारे इसमें मल्टीपल डायमेंशन है आज अभी हम थोड़ा ये जो करंट कॉन्टेक्ट वाला है पिछले चार पांच साल में जो डेवलपमेंट है उनको हम देखेंगे तो बात यह थी कि जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिलता था जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस देता था आर्टिकल 370। अच्छा, आर्टिकल 370 एक प्रोविजन प्रोविजन था। था, यानी कि एक समय के बाद इसको हटना था अब बहुत सारे साल हो गए ये हट नहीं पाया और इसको लेके कई सारी चिंताएं कई सारी दिक्कतें कश्मीर में आने लगी जो आजादी के बाद से लेके विजिबल थी लेकिन बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज का आप मान के चलिए या तो पॉलिटिकल विल uh, इतनी नहीं थी या बहुत सारे मुद्दे थे तो ये हट नहीं पाया फाइनली अब क्या होता है ऑन फिफ्थ अगस्त 2019 यहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेफिनेटली बाय मैनी एक्ट्स और मैनी प्रेसिडेंशियल डिसीजंस आर्टिकल 370 को हटा देते हैं ओके okay. इसके बाद कुछ और भी चेंजेस किए गए पहले जम्मू एंड कश्मीर जो एक स्टेट था जम्मू एंड कश्मीर जो एक स्टेट था यहां पे अगर आप देखेंगे 5 अगस्त 2019 तक हमारे देश में 29 राज्य थे लेकिन अब जम्मू एंड कश्मीर को एक राज्य नहीं बनाया जम्मू एंड कश्मीर को यूटी में बना दिया और दो यूटी में डिवाइड किया तो हमारे देश में बस अट्ठाईस राज्य रह गए तो यहां पर जम्मू एंड कश्मीर को बाइफरकेट किया जम्मू एंड कश्मीर जो एक यूनियन टेरिटरी है केंद्र शासित प्रदेश है और दूसरा हमने बनाया लद्दाख जो एक यूटी है यूनियन टेरिटरी है, है। केंद्र शासित प्रदेश है। अब यहां पे हुआ क्या? आ, कश्मीर को यूटी बनाया ऐसी यूटी बनाया जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली होगी यानी कि जहां पे विधानसभा होगी फ्यूचर में इलेक्शन होंगे और उसका अपना एक मुख्यमंत्री बनेगा तो हमने बोला जो दो हमारी देखिए हमारे देश में जितनी भी यूटी हैं यूटी में ऐसा हो सकता है कि विधानसभा हो मुख्यमंत्री का कॉन्सेप्ट हो कहीं पे ऐसा हो सकता है कि ना हो ये केंद्र सरकार बहुत सारी सिचुएशंस पैरामीटर को ध्यान में रख के इस तरीके का प्रोविजन करती है तो 2019 में जो लॉ पास किया गया उसमें ये बोला गया कि जम्मू एंड कश्मीर में एक विधानसभा होगी वहां पर इलेक्शन होंगे उनका अपना एक मुख्यमंत्री होगा लेकिन टाइम पीरियड फिक्स नहीं बताया कितने साल में करेंगे पांच साल में करोगे छह साल में करोगे दो साल में करोगे दस साल में करोगे तो धीरे धीरे करके जम्मू एंड कश्मीर के लोगों में यह आने लगा कि ज्यादा डिले ना करते ऐसा ना हो कि दस साल लगा दे पांच साल लगा दे दे वांट कि जल्दी से जल्दी हमारे आप ये जो यूटी है यहां पर आप इलेक्शन कराए अब हुआ क्या फर्दर अगर आप आगे पढ़ेंगे तो इसी साल आ, सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई जहां पर उन्होंने आर्टिकल थ्री के हटाने को वैलिड डिक्लेयर दिया उन्होंने बोला सरकार ने जो किया वो कॉन्स्टिट्यूशनली सही था कॉन्स्टिट्यूशन का वॉल्यूशन नहीं था क्योंकि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी बोल रही थी कि आपने जो आर्टिकल 370 हटाया इट इज द ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि इट्स नॉट द ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया इसी साल 2024 में एक डेडलाइन दी एक डेट दी और उस डेट से पहले इलेक्शन कराने के लिए बोला उस डेट से पहले इलेक्शन कराने के लिए बोला एम नॉट करेक्ट एफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये थी आपकी अप्रोक्स जस्ट गिव्यू जस्ट गिव मिनट थर्टी सेप्टेंबर तो यहां पर थर्टी सेप्टेंबर डेट थी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि थर्टी सेप्टेंबर तक इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कराने हैं तो अभी दिख रहा है अगस्त आ गया है तो यहां पर तो ऐसा लग रहा है कि शायद डिले हो तो यहां पे इसी ह्यूमन राइट बॉडी ने यही बोला है कि जल्द से जल्द इलेक्शन होने चाहिए अब एक बच्चे को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पता होना चाहिए आर्टिकल थ्री सेवेंटी पांच अगस्त दो हजार उन्नीस को हटा था हमारे देश में कितने राज्य हैं जम्मू एंड कश्मीर एक यूटी है जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली है बाकी लद्दाख जो एक यूटी बनी वहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है लद्दाख में भी एक और आ, तरीके से लद्दाख न्यूज में चल रहा है लद्दाख में भी एक प्रोटेस्ट चल रहा है और यहां पर दे आर डिमांडिंग शेड्यूल सिक्स का स्टेटस के लिए शेड्यूल सिक्स शेड्यूल सिक्स स्टेटस है जो ट्राइबल एरियाज को मिला हुआ है ट्राइबल एरियाज को मिला हुआ है अभी असम असम त्रिपुरा मेघालय और मिजोरम इन चार राज्य को शेड्यूल सिक्स के अंदर डाला गया है उसी सेम तर्ज पे लद्दाख में भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं दे की हमें भी शेड्यूल सिक्स का स्टेटस चाहिए बट क्या दिक्कतें हैं पढ़ेंगे उसके बारे में अभी तो लग रहा है कि डिफिकल्ट है मिलना तो आई होप आपको ये सारा का सारा पॉइंट समझ में आया हो सबका पॉइंट बना के छोटा छोटा लिख लीजिए इन सभी पे क्वेश्चन आने के चांसेस है नाउ एक और मुद्दा था ट इज दी डेफिनेशन ऑफ आ एन मुझे लगता है कि जितने भी बच्चे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं बैंक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का अब मान के चलिए लिख के ले लीजिए आज ये जो भी मैं दस पॉइंट यहां पे डिस्कस कर दे जा रहा हूं बैंकिंग एग्जाम में पिछले अगले पिछले दो तीन साल में आया होगा नहीं आया होगा तो अगले एक दो साल में जितने भी एग्जाम है एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा आइए इसके बारे में देखते हैं यहां पे दो तीन बातें हैं जो हमें समझनी है क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वट इज द डेफिनेशन ऑफ अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ये एनपीए क्या होता है अब यहां पे कई सारे ऑप्शन है इनको देखेंगे सबसे पहले हम समझते हैं एनपीए होता क्या है और उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट कम से कम आठ दस टर्म है जो आपको पता होने चाहिए आप देखिएगा किसी भी बैंक में कोई भी जो एक बैंक होता है उस बैंक के अगर आप एसेट्स देखें तो उस बैंक का जो लोन होता है बैंक ने जो लोन दिया हुआ है डिफरेंट डिफरेंट लोगों को वो उसकी एसेट है आप मान के चलिए कि एक बहुत बड़े बैंक ने अंबानी को लोन पे पैसा दिया हुआ है अडानी को दिया हुआ है टाटा को दिया हुआ है बिरला को दिया हुआ है यही नाम सबसे पहले आ रहे हैं न्यूज में ज्यादा रहते हैं तो इन लोगों को लोन पे पैसा दिया हुआ है हजारों हजारों करोड़ अब ऐसा हो सकता है कि टाइम पे पैसा आ रहा हो प्रिंसिपल भी और इंटरेस्ट भी दूसरा केस हो सकता है कि कुछ जिन लोगों को लोन पे पैसा दिया हो वो टाइम पे पैसा नहीं दे रहे हैं तो जब कुछ लोग टाइम पे पैसा नहीं दे रहे हैं डिफॉल्ट कर रहे हैं उस केस में जो तुम्हारी एसेट्स है वो नॉन परफॉर्मिंग बन जाती है देखिएगा आपने जो लोन पे पैसा दिया हुआ है जब तक टाइमली उसका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मिल रहा है वो एक परफॉर्मिंग एसेट्स है लेकिन जैसे ही उसका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मिलना बंद हो जाए या डिले हो जाए उसको हम बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स अब कितने दिन पे मान लीजिए कि एक ई एम बैंक को टेंथ ऑगस्ट को मिलनी थी दस अगस्त को एक पर्टिकुलर लेंडर से बैंक को पर्टिकुलर जो जिसने लोन लिया हुआ था बैंक से एक किस्त बैंक को मिलनी थी 10th को नहीं मिली 11th को एक दिन हुआ है तो क्या इलेवंथ को एनपीए बन गया बिल्कुल नहीं कब बनेगा पांच दिन के बाद दस दिन के बाद बीस दिन के बाद तो यहां पे जो टाइम है एनपीए एनपीए आपका बनता है नाइनटी डेज पे नब्बे दिन पे तो अगर बैंक को इंटरेस्ट या प्रिंसिपल या बोथ ना इंटरेस्ट रिसीव हुआ ना प्रिंसिपल और दोनों में से कुछ भी रिसीव नहीं हुआ अगर नब्बे दिन तक तो वो पर्टिकुलर लोन क्या बन जाता है एनपीए बन जाता है तो वट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी अ लोन दैट इज इन डिफॉल्ट हैज नॉट बीन रीपेड फॉर मोर देन नाइन्टी डेज तो नब्बे दिन तक अगर पैसे नहीं आए हैं नब्बे नब्बे से ज्यादा दिन तक तो वो क्या बन जाता है एनपी अब एक चीज देखो अच्छा एनपीए के बाद क्या होता है अब आप मान के चलिए एक पार्टी को लोन पे पैसा दिया हुआ था और वो एनपीए बन गया इस केस में वॉट ऑप्शन बैंक है तो अगर एनपीए बना है एनपीए बनने के बाद वॉट ऑप्शन बैंक है बैंक क्या करेगा बैंक पहले देखेगा पार्टी से मीटिंग करेगा तो वॉट ऑप्शन बैंक है अगर कोई लोन एनपीए बन गया है तो बैंक आएगा डिस्कशन करेगा देखेगा अगर बैंक को लगता है कि ये जो व्यक्ति पैसे नहीं दे पा रहा है देयर इज दिस जेनवन रीजन बिजनेस में स्लो डाउन है बंदा तो सारी चीजें सही कर रहा है इस केस में अगर ये बैंक कन्विंस होता है हालांकि इसका कोई पैरामीटर बहुत क्लियर नहीं है अगर बैंक को ऐसा लगता है तो बैंक क्या कर सकता है उसके लोन को रीशेड्यूल कर सकता है रीशेड्यूल में क्या करेगा उसका बैंक इंटरेस्ट रेट भी कम कर सकता है उसका बैंक जो टेन्योर है पहले मान लो पांच साल के लिए था उसको बढ़ा सकता है तो ब्याज का रेट कम कर देगा टेन्योर बढ़ा देगा सो so दैट पहले आई बड़ी आ रही थी अब ई एम थोड़ी आएगी तो उसकी कंडीशन को समझ के उसकी कंडीशन को थोड़ा ठीक कर सकता है सो so दैट उस पर बर्डन कम हो और बैंक को भी पैसा मिलता रहे दिस इज दी अगर जेनुअन केस है बैंक को ऐसा लगता है तो अगर बैंक को लग रहा है पैसा नहीं मिल पाएगा तो बैंक क्या करेगा फिर उसको बैंक फर्दर इंसॉल्वेंसी बैंक कोड के अंडर में मतलब कोर्ट कचहरी में ले जाके अपने पैसे की रिकवरी का प्रोसेस स्टार्ट कर देता है तो ये तो दो ऑप्शन किसके पास है बैंक के पास है यहां पे मैं आपको दो तीन और टर्म बताना चाह रहा हूं अच्छा आपको नहीं लगता क्या कि भाई एक दिन दस अगस्त को पैसे आने थे ग्यारह को नहीं आए बारह को नहीं आए पूरे अगस्त में नहीं आए सेप्टेबर में नहीं आए अक्टूबर में नहीं आए तो बैंक को नब्बे उसका एनपीए बढ़ जाएगा पहले भी तो उसको मॉनिटर करते रहना चाहिए ना कि मेरे पास ऐसे कितने लोन है कि जिनमें तीस दिन से पैसा नहीं आया है जिनमें साठ दिन से पैसा नहीं आया है तो यहां पे आरबीआई एक और गाइडलाइन लेके आता है इसको हम बोलते हैं एस एम देखेगा पहले इसको एस एम ए स्पेशल मेंशन अकाउंट इनपे क्वेश्चन आया हुआ है पहला होता है जीरो एस एम ए जीरो अगर किसी लोन पे बैंक ने लोन दे रखा है और तीस दिन तक पैसे डिले हो गए तो वो सारे अकाउंट आ जाएंगे एस एम ए वन में मतलब एस एम ए वन में वो लोग आ गए या वो कंपनी आ गई जिन्होंने तीस दिन हो गए और अभी तक अपनी ड्यू डेट से तीस दिन के बाद तक पैसा नहीं दिया हुआ है। फर्दर आगे चलते हैं एस एम ए वन और सीरियस सिचुएशन है तीस दिन से साठ दिन दो महीने हो गए दो महीने तक हो गए और नाइनटी डेज तक साठ से नाइनटी डेज तक पैसे नहीं आए और इसके बाद डेफिनेटली अब एस एम ए टू हो ही गया है तो एस एम ए टू के बाद वो क्या बन जाएगा एनपीए बन जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाता है अभी तो आप देखेंगे नीचे मैं एक ग्राफ लेके आया हूँ अभी तो सिचुएशन है हमारे देश में एनपीए बहुत कम है लेकिन दो हजार पंद्रह में बैंक का एनपीए बहुत बढ़ गया था मतलब बैंक जितना पैसा लैंड करता था उसका पांच छत परसेंट पैसा डूब रहा था उस पर इंटरेस्ट वापस नहीं आ रहा था तो होगा क्या ऐसे में बैंक लोन देने से हेजिटेट हो रहे थे बैंक ज्यादा लैंड नहीं कर रहे थे पहला नुकसान दूसरा बैंक को जब ब्याज नहीं मिल रहा है तो बैंक घाटे में जाएगा तो बैंक क्या करेगा ब्याज रेट बढ़ा देगा और जब ब्याज रेट बढ़ेगा हमारी पूरी अर्थव्यवस्था में सारी चीजें महंगी हो जाएंगी तो किसी भी देश के लिए अगर सारी इकोनॉमी को अच्छे से फंक्शन करना है बैंकिंग सिस्टम प्रॉफिटेबल और रोबस्ट होना चाहिए क्योंकि अगर बैंकिंग सिस्टम लॉर्स में जाएगा वो फर्दर क्रेडिट आगे नहीं बढ़ाएगा आगे क्रेडिट नहीं मिलेगा तो फिर आगे और ज्यादा दिक्कतें होंगी तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एस एम क्या होता है एस एम क्या होता है एसएमए टू क्या होता है और एनपीए क्या होता है यह आपको पता होना चाहिए अच्छा यहां पे दो और टर्म है जो आप लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पता होने चाहिए पहला एक आपका यहां पे टर्म है वो आता है सब स्टैंडर्ड एसेट्स का सब स्टैंडर्ड एसेट्स का अब यहां पे आपको पता चला कि कोई भी एक एनपीए है एनपीए कब बना जब 90 दिन तक पैसा नहीं आया मोटा मोटा तीन महीने तक पैसा नहीं आया अगर तू 12 महीने तक पैसा नहीं आ रहा है साल भर हो गया मतलब एनपीए के बाद भी नौ महीने हो गए अब तक भी पैसा नहीं आ रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे सब स्टैंडर्ड एसेट्स इससे हमें पता चलता है कि अब इस पैसे के recover होने के रिकवर होने चांसेस कम होते जा रहे हैं मतलब ये खुद तो पैसे देगा नहीं अब तो आपको जो चीज गिरवी रखी है उसको आ, वापस आपको लिक्विडेट करना पड़ेगा और इसके बाद अगर एक साल बारह महीने भी गुजर जाते हैं तो इसको हम आपका बोलते हैं डाउटफुल एसेट्स डाउटफुल एसेट्स डाउटफुल एसेट्स तो ये दो टर्म मैं चाहता हूं कि आप और ऐड कर लें सब स्टैंडर्ड एसेट्स एंड डाउटफुल एसेट्स ओके okay. यहां पे आप देखिएगा मैंने एक पूरा का पूरा यहां पे आपको एक डेटा दिखाया है और इस डेटा में पूरा है कि हमारे देश में अच्छा ये डेटा आरबीआई का है और 2022 तक का ये डेटा है उसके बाद अपडेटेड मुझे कोई नहीं मिला लेकिन यहां पे आपको क्लियरली पता चल रहा था कि हमारे देश में पहले आप देखिएगा 2010 11 12 13 में आ, बैंकों को जितना भी पैसा आ रहा था बैंक ज्यादातर लोग रीपे कर पा रहे थे लेकिन फिर अगर आप देखेंगे पंद्रह सोलह सत्रह अट्ठारह एकदम से बैंकों का एनपीए बढ़ गया यानी कि जितने भी लोगों को उन्होंने लोन पे पैसा दे रखा है ज्यादातर लोग डिफॉल्ट कर रहे हैं तो ये तो बैंकिंग सिस्टम के लिए बड़ी प्रॉब्लम थी आगे देश में किसी को लोन नहीं मिलेगा ब्याज रेट ऊपर बढ़ेगा पूरे देश की ग्रोथ रुक जाएगी तो यहां पे फिर सरकार ने कई सारे स्टेप लिए और आप देखोगे धीरे धीरे करके अब हमारे देश का जो एनपीए की सिचुएशन थी बैंकों के सामने वो धीरे धीरे करके इंप्रूव होती जा रही है जितने भी लोग एस की तैयारी कर रहे हैं की, की तैयारी कर रहे हैं आर की नाबार्ड की आरबीआई की तैयारी कर रहे हैं दिस डेटा इज वेरी क्रिटिकल और आज का हमारी इस क्लास का लास्ट टॉपिक है आपका एक और न्यूज थी उस न्यूज से मैंने एक क्वेश्चन बनाया है न्यूज ये थी कि मनरेगा में थोड़ा सा फंड डिले चल रहा था टाइम पे फंड सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीज नहीं कर रही थी हर महीने में एक दो बार आप ऐसा आर्टिकल देख लेते हो जहाँ पे ऐसा आता है कि मनरेगा का फंड डिले है ये स्टेट गवर्नमेंट बोल रही है तो इसके बारे में अभी देखते हैं पूरा न्यूज़ क्या था एक बार अब इस क्वेश्चन को पढ़िए नाउ uh, क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फीचर ऑफ द मनरेगा स्कीम तो एक मनरेगा स्कीम है इनमें से कौन सा उस मनरेगा स्कीम का की फीचर है ठीक है आंसर देते हैं सो मनरेगा स्कीम या पहले मनरेगा स्कीम के बारे में जानते हैं और दो आंसर इसका सी है इट इज अ गारंटेड हंड्रेड डेज का यहां पे आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा सिंपल सा है पहले एक बार आ, आ, देख लेते हैं आ, इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं फिर इसको देखेंगे यहां पे मैंने आपको दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं एक तो मैंने राइट टू वर्क के बारे में यहां पे लिखा हुआ है दूसरा मैंने राजस्थान सरकार का एक जिक्र किया हुआ है जो करंट अफेयर्स की एक इंफॉर्मेशन है हालांकि इंफॉर्मेशन एक दो साल पुरानी है लेकिन क्योंकि एक बड़ा स्टेप था बाय एनी स्टेट गवर्नमेंट तो था क्या अगर आप मनरेगा के बारे में पढ़ें पहले यहां पे देखिएगा कुछ कुछ लिखा हुआ है मनरेगा आपको राइट टू वर्क देती है काम करने का अधिकार देती है अगर आप मनरेगा के बारे में पढ़ें तो महात्मा आ, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एंप्लॉयमेंट गारंटी एक्ट तो एक इसमें टर्म है रूरल हमारे देश के जितने भी ग्राम में लोग रहते हैं ग्रामीण लोगों के लिए शहरी लोगों के लिए नहीं है उनको अगर कोई इंप्लॉयमेंट नहीं मिलता है तो सरकार सौ दिन का गारंटेड इंप्लॉयमेंट देगी सौ दिन के पैसे सरकार देगी सौ दिन का काम सरकार देगी काम क्या देगी किस तरीके का काम होगा कौन लोग एलिजिबल हो वो डिटेल में पढ़ते हैं तो मनरेगा में आपको हंड्रेड डेज का इंप्लॉयमेंट मिलेगा अच्छा तीन दिन में से सिर्फ सौ दिन के इंप्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं अगर आप यहां पे देखें तो बेसिकली जो हमारी रूरल इकोनॉमी है ग्रामीण इकोनॉमी है उसकी फाउंडेशन तुम्हारा एग्रीकल्चर है हमारी जो रूरल इकोनॉमी है उसकी फाउंडेशन एग्रीकल्चर है और अगर आप इस एग्रीकल्चर में देखें एग्रीकल्चर 365 डेज का काम नहीं है बट 200 दिन का तो काम है 200 से 250 दिन का काम है तो आपको अगर आप ग्रामीण इलाके में रहते हो आपके अपने खेत है तो 200-250 दिन के लिए तो अपने खेत पे काम करोगे या एज अ एग्रीकल्चरल लेबरर आपको काम मिल जाएगा दिक्कत होती है बाकी के 100 डेढ़ दिन आप क्या करोगे तो यहां पे बाकी के 100 डेढ़ दिन के लिए गवर्नमेंट ने मनरेगा स्कीम में काइंड ऑफ राइट टू वर्क दिया है कि आपको काम करने का अधिकार है आपको काम सरकार देगी और ऐसा नहीं है सिर्फ आपको पांच किलोमीटर के आसपास देगी ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे रहते हो क्योंकि वेजेस तो इसमें बहुत कम है तो आपको 20 किलोमीटर दूर बुला रहे हैं? नहीं पांच किलोमीटर के दिन अंदर आपको काम देगी और पंद्रह दिन के अंदर आपको काम देगी तो दिस इज दी एक्ट कॉल्ड मनरेगा आइए इसके बारे में देखते हैं तो दिस मनरेगा ये जो एक्ट है दिस मनरेगा एक्ट वॉज पासड बाय आई एम करेक्ट इन टू जीरो जीरो फाइव दो हजार पांच में टू जीरो जीरो फाइव ये एक्ट आपका पास किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक एक्ट पास किया गया और यहां में राइट टू वर्क मिलता है जिसके बारे में अभी हमने बात की है एक क्रिटिकल पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए रूरल लोगों के लिए है है बस रूरल लोगों के लिए है। अच्छा यहां पे कुछ लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा फिर सर एक बात बताइए जो हमारे अर्बन गरीब है जो हमारे अर्बन शहरों के पुअर हैं उन लोगों के लिए क्या क्या उन लोगों को बेसिक एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलना चाहिए बिल्कुल मिलना चाहिए और आप देखिएगा कोविड के दौरान जब हमारे देश में कोविड आया 2020 में तो लाखों करोड़ों लोग शहर से निकल के विलेज में वापस गए ये वही लोग थे जो एम्प्लॉयमेंट की खोज में अपने गांवों को छोड़ के शहरों में आते हैं और शहर के लोगों की लाइफ आसान बनाते हैं लेकिन जैसे ही थोड़ी सी मुसीबत आई इन लोगों का एम्प्लॉयमेंट सबसे पहले गया तो क्या अगर यहां पे सरकार किसी भी तरीके से इन लोगों को थोड़ा बहुत बेसिक मिनिमम एम्प्लॉयमेंट की गारंटी देती इनके पास पैसे आते तो शायद ये शहर छोड़ के विलेज की तरफ वापस नहीं भागते इतना बड़ा लॉजिस्टिक प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता ऑल दो बहुत सारे मुद्दे हैं जो भी व्यक्ति अपना विलेज छोड़ के आता है अपना गांव छोड़ के आता है शहर में शहर के लोगों की लाइफ को आसान बनाता है कभी ड्राइवर बन के कभी उनके घर में एक डोमेस्टिक हेल्प बन के कभी फैक्ट्रियों में लेबर बन के कभी रिक्शा चला के कभी फल सब्जियां बेच के जब भी परेशानी आती है और जब भी परेशानी आई इन लोगों को काइंड ऑफ शहर के लोगों पर विश्वास ही नहीं हुआ तभी तो कहीं ना कहीं ये जो हमारे शहर का इकोसिस्टम है ये इन लोगों को विश्वास दिलाने में फेल हो गया कि हम यहाँ पे आपकी टेक केयर कर सकते हैं इसलिए आप देखिएगा दिल्ली में तो ऐसा भी हुआ कि चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की रिपीटेटिव रिक्वेस्ट के बाद सारे के सारे लोगों ने माइग्रेट किया वापस विलेजेस की तरफ तो अर्बन पुअर के लिए भी हम कुछ करें ऐसा कई बार डिमांड उठती है और आप देखिएगा रिसेंटली राजस्थान सरकार ने एक स्कीम पास की और इन्होंने अर्बन गारंटेड एम्प्लॉयमेंट दिया कि हमारे जो अर्बन पुअर है उनको भी हम कुछ दिन का गारंटेड एम्प्लॉयमेंट देंगे यहां पे डेज सौ दिन का था तो दैट्स वाई राजस्थान वोज इन न्यू तो रिसेंटली राजस्थान ही ऐसा राज्य था ओके आइए चलो इसके बारे में बाकी और फैक्ट देखते हैं मिनिमम आपको सौ दिन का यहां पर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा यह आपको पता होना चाहिए अच्छा एलिजिबिलिटी क्या है इसमें अगर आप एलिजिबिलिटी देखेंगे तो यू शुड बी दी सिटीजन ऑफ इंडिया अठारह साल की एज होनी चाहिए और एक और बात है एक और बात है जो आपको याद रखना है यू शुड बी अनस्किल्ड अनस्किल्ड लोगों को ही मिलेगा क्योंकि हम चाहते हैं कि स्किल्ड लोग कुछ और काम करें अनस्किल्ड लोग कुछ काम करेंगे तो उनका स्किल डेवलपमेंट होगा तो ये यहां पे तीन चार मोटी मोटी बात है एक और आप क्या रह प्रेजेंटली अभी बजट पास हुआ है तो फाइनेंशियल ईयर 2024 और जो 2025 का बजट है यहां पे मनरेगा के लिए कितना 86,000 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट किया गया अब देखिएगा कितना बड़ा अलॉटमेंट किया गया मनरेगा के लिए तो मनरेगा कहीं ना कहीं हमारी जो रूरल इकोनॉमी है उसका एक बैकबोन है लोगों को वो एक मिनिमम इनकम देता है सो so दैट कम से कम कितनी भी गरीबी हो आप कम से कम रोटी कपड़ा की आपको चिंता ना हो रोटी और कपड़े के लिए इतने तो आपको पैसे मिल जाए शहर के स्टैंडर्ड के हिसाब से तो ये कुछ भी नहीं है लेकिन अगर आप हमारे देश की पर कैपिटल इनकम देखें तो कम से कम एक आपको रोटी कपड़ा तो मिल ही जाएगा ठीक है मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में आज की क्लास में इतना ही आई होप आपको ये समझ में आया होगा अगर आप कोई भी सजेशन देते हैं आपको लगता है कि कुछ और मैं वैल्यू एड करूँ तो मैं आई एम वेरी हैप्पी टू गेट योर फीडबैक थैंक यू थैंक यू वेरी मच कल से फिर मिलेंगे लाइव क्लास में थैंक यू